मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना, मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। फीस माफ नहीं करता मैं, और जो फीस माफ करने की बात करता है उससे डबल फीस लेता हूँ। वाइस प्रिंसिपल सर। बोलो, अब कौन से स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल का नाम खराब करने आए हो? मैं आज स्टूडेंट्स के वॉशरूम गया। क्यों भाई, स्टाफ रूम का वॉशरूम छोटा पड़ गया? अरे सर, वो प्रकाश घुसा हुआ था उसमें, वो बिजी था, वो सब छोड़िए। आज जब मैं वहाँ गया तो मैंने कुछ देखा। टॉयलेट में क्या ही देखोगे, जो किसी ने निकाला होगा वो ही देखोगे ना? नहीं सर, पूरे वॉशरूम में गालियाँ ही गालियाँ लिखी हैं आपके नाम के आगे, आपको सब गालियाँ दे रहे हैं। मैंने आसपास के बहुत सारे बच्चों को चांटे मार मार के उगलवाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लगता है ये कोई ऐसे स्टूडेंट ने काम करा है जिससे सब डरते हैं। ओए, फिर तो ये काम एक ही स्टूडेंट कर सकता है, जोगिंदर बदमाश। बस उसके खिलाफ मुझे एक स्टूडेंट गवाही देने वाला चाहिए। उसका वो दोस्त है ना शमशेर, उसको पकड़ के लाता हूँ। बुला उसको, उसका मुंह भर देंगे, इतने मार्क्स देंगे उसे। जी सर। भाई जोगिंदर, कल हमारे जिम में बेंच प्रेस का कंपटीशन था, मैंने 120 की बेंच उठाई। मैंने उठा ही ली थी तभी मेरे पीछे खड़ा लैंडू स्पॉटर, उसने सपोर्ट दे दिया। अगर वो सारा सपोर्ट नहीं देता मैं तब भी उठा लेता, मेरी पूरी बेंच खराब हो गई। अबे तूने कुछ नहीं किया उसको। अरे ऐसे कैसे छोड़ देता मैं उसे। मैं उठा, मैंने 25 kg की प्लेट उठाई और उसके पैर पे गिरा दी, साला चिल्लाता रह गया। शमशेर। अरे कौन है भाई? चल वाइस प्रिंसिपल ऑफिस। शमशेर को क्यों ले जा रहा है सर? तू मेरा बाप है जो सवाल करेगा मुझसे? ऐसी औलाद मैं पैसे लेके भी पैदा ना करूं। क्या बोला? ले जाओ सर, ले जाओ इसे। आता हूँ जोगिंदर भाई। सर ले आए इसे, चल। क्या हुआ सर? आपके जोड़ों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, लाइए तेल दीजिए, अभी ऐसी मसाज करूंगा सब भाग जाएगा। चुप कर जा, तू हाफयरली एग्जाम में टॉप करना चाहता है कि नहीं ये बता। बता नहीं तो तेरा मुंडा 360 रोटेट कर दूंगा। मैं तुझे टॉपर बना दूंगा, बस तू मेरा एक काम कर दे। आ तो तेल दीजिए। अरे मसाज नहीं करना गेंडे, मेरे नाम के आगे टॉयलेट में गाली कौन लिखता है? तेरी खामोशी बता रही है कि तू उसको अच्छे से जानता है, और ये भी जानता है कि ये उसी ने किया है। सर नहीं मालूम मुझे। तो ए, रुको पीटी, सोच, तेरी फोटो स्कूल मैगजीन में आ रही है और तेरे मम्मी पापा तुझे मारने के बजाय मिठाई खिला रहे हैं। सर मैं खुद पढ़ के 60 नंबर लाता हूँ, उसमें मेरे माँ बाप ज्यादा खुश होंगे, ना कि आपके भीख में दिए गए मार्क्स से। जुबान लगाता है। ओए, आई एम इम्प्रेस्ड, तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन दोस्ती निभाने में अच्छा है, इसलिए तुझे मैं माफ कर रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। जी सर। निकल। अरे तो जा रहा हूँ ना, साइड तो हट। हाँ जा 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 जा। ओए पीटी, इसके दोस्त सुरसुरा को बुलाओ, उसको भी सेम ऑफर देंगे। शमशेर शमशेर, क्या हुआ? तू बहुत बड़े खतरे में है भाई। पापा को पता चल गया क्या? उनकी फॉर्च्यूनर का बम्पर मैंने तोड़ा था, ड्राइवर ने नहीं, उन्होंने तो ड्राइवर को सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया था, अब मेरा क्या होगा? नहीं भाई, ये स्कूल से रिलेटेड बात है। प्रिंसिपल को पता चल गया मैं और सुशील भैया फेक एग्जाम पेपर का सप्लाई करते हैं। अरे नहीं भाई, वाइस प्रिंसिपल को ये पता चल गया कि तू उसके नाम के आगे गालियां लिखता है टॉयलेट में जाके। इसकी माँ का भोला चेहरा। और तो और वो सबूत इकट्ठा कर रहा है, गवाह तैयार कर रहा है गवाही देने के लिए। मुझे भी लालच दी थी कि मैं तुझे स्कूल का टॉपर बना दूंगा। साले दे दिया भाई को धोखा, बिक गया तू। अरे नहीं भाई, शमशेर मेरी जान, किसने तो भाई। धुरट धुरट, लव बाइट दे देता है तू, फिर मम्मी शक करती किस लड़की ने दिया है। किंकी हो जाता हूँ। लेकिन भाई गटागट चौबे इतनी आसानी से रुकने वालों में से नहीं है, वो फटाफट किसी ना किसी को गवाही देने के लिए मना लेगा। अरे ये वाले कांड के बारे में सिर्फ तुझे पता है और सुरसुरा को पता है, और तुम दोनों का मुझे अच्छे से पता है, तुम किसी को कुछ बताने नहीं वाले। हाँ भाई, सुरसुरा तो नहीं बताने वाला। हाँ सर, जोगिंदर ही है वो जिसने आपके नाम के आगे टॉयलेट में गालियां लिखी है। शाबाश, अब बनेगा तू टॉपर। बट सर, ये बात जोगिंदर को नहीं पता चलना चाहिए, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नहीं, तुझे ये बात जोगिंदर के बाप के सामने बोलनी होगी। सर मेरी और उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी सर। वो तो तूने अभी कर ही दी खत्म। सर ये आपने नहीं बताया था।
हर चीज अगर बता दी जाती तो कटप्पा बाहुबली को मार नहीं पाता। तुझे मैं टॉपर तभी बनाऊंगा जब तू ये सारी बातें जोगिंदर के बाप के सामने बोलेगा। और तेरी बातें मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर ली हैं और ये जाकर मैं जोगिंदर को बता दूंगा। तेरी दोस्ती तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा तू टॉपर बन जा। वरना टॉपर बनने से भी तू हाथ धो लेगा और दोस्ती तो तेरी वैसे भी खत्म ही हो गई। और ऐसा प्लीज मत करिए। चल निकल, मैं बुलाता हूँ तुझे। चल चल चल। अरे सुरसुरा आ गया सुरसुरा। हाँ भाई, कहाँ से आ रहा है तू? कुछ नहीं, बस बाहर ऐसे ही राउंड मारने गया था फ्रेश होने के लिए। वाईसी ने नहीं बुलाया तुझे? नहीं तो वाईसी क्यों बुलाएगा वैसे? पक्का नहीं बुलाया ना? झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे लेकिन मुझे बुलाएगा क्यों? क्यों क्या सोच रहे हो तुम लोग? क्या क्या पक रहा है तुम्हारे दिमाग में? जोगिंदर बाहर आ, तेरे पापा आए हुए हैं वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में। अरे बैंड बज गई भाई। हाँ भाई, क्या हो गया? क्यों बुला रहे हैं तुझे? पापा आ गए यार स्कूल में, होगा तो अब जो होना है। अरे चलना। अरे दो मिनट रुक जाओ सर, आ रहा है ना? क्या भागने लगे क्या वो? हाँ ओके ओके, आजा आजा आराम से आजा। तेजिंदर बदमाश, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। तुमने सुना था, आज देख भी लोगे घटाघट चौबे। नाम याद था आज भी मेरा? अरे चौबे, मेरे साथ में धंधा करने वालों के और पिछवाड़े में डंडा करने वालों के नाम मैं कभी नहीं भूलता। जेल के जेलर से सीधा वाइस प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ के तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भी जेल में ही अच्छे लगते थे। तुम्हारा ये व्यापारी बनना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम पे सिर्फ खून खराब अच्छा लगता है। क्या बात है, इतना अच्छा लगता हूँ तो तुम्हें वो रूप जल्दी दिखा दूंगा। भूल गए, मेरी वजह से जेल से भागे थे तुम। तुम्हारे नाजायज बाप सीएम का काम करा था मैंने, इसलिए तुमने मुझे जाने दिया। अगर उस दिन हथौड़े से उस कैदी का मैं सर नहीं खोलता तो तुम मेरी सलाखों का ताला नहीं खोलते। अगर सब याद है तुझे तो तुझे ये भी याद होगा कि तुझ जैसे खूनी अपराधी को छोड़ने में मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। मुझे आज भी वो चीज खाती रहती है अंदर से, मैं जी नहीं पाता उस बोझ के साथ। अरे तूने मुझे छोड़ तो दिया था, लेकिन अपने चिल्लो पिल्लो से तू आज तक मेरे धंधे की बैंड बजा रहा है। ये बल्लम पांडे नाम का कुत्ता तेरा पालतू है, ये सब मुझे पता है। जब इतना सब पता है तुझे तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि तेरी औलाद जोगिंदर ने मेरे नाम के आगे टॉयलेट में गाली लिखी है। बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं जोगिंदर पे। अरे उसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ता है। जो मेरे दिल में चलता है वो उसके दिल में चलता है। भले ही तेरी असलियत वो जानता नहीं है, लेकिन बाप का बदला वो अच्छी तरीके से अंदर महसूस करता है। ओए सुन मेरी बात, पुराने प्रिंसिपल तेरी औलाद का झाट नहीं उखाड़ पाए होंगे, लेकिन मैं तेरी औलाद को ऐसा रस्टिकेट करूंगा कि पूरे इंडिया के स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। चुप चुप एकदम। चौबे तू पुलिस में था तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब तू आम आदमी है और आम आदमी को चीटी की तरह कैसे मसलना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। ओए तेरी धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि तेरी एक नस अभी भी मेरे हाथों में है। तेरा छोटा भाई जोगिंदर का चाचा 20 साल से जेल में सड़ रहा है। तेरे किए गए कांड का बोझ अपने सर पर रख कर उसको मैं फांसी की सजा करवाऊंगा। अरे वाइस प्रिंसिपल सर, तेजिंदर भाई साहब घर नीचे करिए, मैं जोगिंदर को ले आया। जोगिंदर, तेरे बाप को मैंने तेरी करतूतें बता दी हैं। अब बता, टॉयलेट में गाली तूने लिखी थी ना? नहीं तो सर, आपके पास क्या प्रूफ है? तू और तेरा बाप प्रूफ प्रूफ मत करा करो, प्रूफ है मेरे पास, बुलाओ उसको पीटी। आजा अंदर। अरे सर सुरसुरा, तू बिक गया तेरा दोस्त कुछ मार्क्स बढ़वाने के लिए। सॉरी भाई जोगिंदर, मेरी मजबूरी समझना तू। सुरसुरा भाई, जोगिंदर भाई प्लीज मेरी मजबूरी समझ। अरे नहीं भाई नहीं, गलत किया तूने भाई, गलत किया। ओए बता कि ये लिखता है टॉयलेट में गाली की नहीं? सुरसुरा। अरे ओ दबदबा मत बना, जैसे तूने अपने सगे भाई पे बनाया था। चौबे जोगिंदर के सामने इस बारे में बात मत कर। भाई
ये क्या बोल रहे हैं वाइस प्रिंसिपल पापा? ओए जोगिंदर, तेरे चाचा भी हैं, तुझे पता है? मेरे चाचा भी हैं? 20 साल से जेल में सड़ रहे हैं। चौबन, बस कर, इस बार मैं और बात मत कर। ओके ओके। सुरसुरा बोल। जी वाइस प्रिंसिपल सर, यही लिखता है गाली। शाबाश, जल्दी कल अब पीटी, इसको बाहर फेंक के आओ। सर वो सबने मुझे डेयर दिया था, ट्रूथ एंड डेयर खेलते टाइम, तो मैंने मस्ती मस्ती में लिख दिया था सर। वे, रस्टिकेशन लेटर मस्ती मस्ती में मैं ही दूंगा। व्हाट हैपेंड चौबे, ऑफिस में से बहुत चिल्ला चोट आ रही है। प्रिंसिपल सर, ये मेरे बेटे को रस्टिकेट कर रहा है छोटी सी बात पे। सॉरी सर, अब नहीं करूंगा। अरे गाली लिखता है ये टॉयलेट में। अरे चौबे, सस्पेंड कर दो, रस्टिकेट मत करो भाई। आप बीच में मत आइए प्रिंसिपल सर। आई एम द साइनिंग अथॉरिटी हियर चौबे। आई नो तुम्हारा तेजिंदर बदमाश के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके चक्कर में उसकी औलाद, उसके बेटे का भविष्य बर्बाद मत करो तुम। आपका यह एहसान याद रखूंगा मैं। नो प्रॉब्लम, लेकिन जोगिंदर माइंडेड, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर सॉरी सर, सर थैंक यू सर। अरे चलो जोगिंदर। जी पापा, छुट्टी मिल गई एक हफ्ते की। यस 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 यस।